धू धू कर जला अहंकारी रावण का पुतला, असत्य पर सत्य की जीत। धूमधाम से माता रानी को दी गई विदाई, देर रात तक चलता रहा प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला। कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे 27 को दाखिल करेंगी नामांकन फॉर्म। असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व विजयादशमी दशहरा पर्व नगर सहित ग्रामीण अंचलों में धूमधाम से मंगलवार को मनाया गया। इसी क्रम में नगर मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में रावण सहित मेघनाथ और कुंभकर्ण का वध श्री रामचंद्र जी के द्वारा किया गया। मंगलवार को निर्धारित समय 7 बजे मैदान में आयोजित ऑर्केस्ट्रा व शानदार आतिशबाजी के साथ हुआ रावण दहन। इसे देखने के लिए नगर सहित आसपास के क्षेत्र से करीब 5,000 से अधिक लोग एकजुट हुए थे। आदि शक्ति माँ भवानी की पूजा आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र संपन्न होने के बाद दशहरा रावण दहन होते ही माता रानी की प्रतिमाओं को विसर्जन करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। दशहरा की रात में ही बंगाली दुर्गा सहित काफ़ी प्रतिमाएं विसर्जित हो गईं। दूसरे दिन 25 अक्टूबर को सुबह से मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला प्रारंभ हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। श्रद्धालुओं द्वारा माँ दुर्गा की प्रतिमा को डीजे व बैंड की धुनों पर आतिशबाजी कर माता रानी के जयकारों के साथ धूमधाम से आस्थापूर्वक विदाई दी गई। माता रानी की प्रतिमा को नदी, तालाब व नहरों में पूजा अर्चना व आरती कर विसर्जित किया गया। जय माता श्री। चलो ना भैया, चलो 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 ए मामा। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति बैहर बस स्टैंड का शारदीय नवरात्र इस वर्ष ऐतिहासिक रहा है। जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में बैहर में विराजित बैहर की रानी और अलग अलग स्वरूपों में एक ही पंडाल में विराजित माता रानी की 251 मनोहारी प्रतिमाओं की चर्चा जोरों पर है। एक ही पंडाल में एक साथ इतनी सारी प्रतिमाएं रखी होने से नवरात्र के दूसरे दिन से ही श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ लगने लगी थी। माता रानी की प्रतिमाओं का विसर्जन 27 अक्टूबर को धूमधाम से पूरी आस्था व श्रद्धा के साथ किया जाएगा। यहां विराजित प्रतिमाओं में जिले के गांव व तहसीलों सहित देश के महानगरों में स्थापित देवी प्रतिमाओं के स्वरूपों की प्रतिमाएं रखी गई हैं। माता रानी का दरबार भी भव्य व आकर्षक है। दशहरे के दिन भी माता रानी की प्रतिमाओं को देखने लोगों की भीड़ लगी रही। दुर्गा समिति द्वारा माता रानी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर दिन दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक भंडारे का आयोजन किया गया है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष व बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी अनुभा मुंजारे द्वारा 27 अक्टूबर को अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया जाएगा। 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार के निवास गोंदिया रोड से नामांकन रैली निकाली जाएगी। इस संबंध में बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी मुंजारे ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि प्रदेश में इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर है और भाजपा के 18 साल के कुशासन से जनता त्रस्त हो गई है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री गौरी शंकर बिसेन पर तंज कसते हुए कहा कि गौरी शंकर जी का बयान व उनके बड़बोलेपन से जिले की जनता ही नहीं भाजपा के नेता भी परेशान हैं। वे इतने अनर्गल बातें करते हैं कि उनकी बातों को अब लोग प्रमुखता से ना लेकर मजाक में लेते हैं। अब जनता ने मन बना लिया है कि सत्ता परिवर्तन करना है। सम्मानी गौरी शंकर बिसेन जी और उनके बयान,
उनका जो बड़बोलापन है, उससे पूरे बालाघाट जिले की जनता नहीं बल्कि उनकी पार्टी के बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो तक परेशान है, क्योंकि वो इतने अनर्गल बातें करते हैं, इतने अनर्गल बयानबाजी करते हैं कि अब तो लोग उनकी बातों के भरोसे ही नहीं करते, मजाक में लेते हैं उनकी बातों को। तो गौरी शंकर जी को उनके मुँह में जो आना आए वो आएगा, जो बोलना है वो बोलेंगे, लेकिन वो अच्छे तरह से जानते हैं कि इस बार उनकी भी आप इन तक की जो भी वो चल रहे थे जिस तरीके से भी वो चलने वाली नहीं है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया गया, साथ ही आचार संहिता का पालन करते हुए दशहरा पर्व मनाया गया। बस स्टैंड के पीछे सार्वजनिक दुर्गा उत्सव उकवा बस्ती में दशहरे के दिन दुर्गा मंदिर से कन्याओं द्वारा कलश यात्रा एवं डीजे व बैंड बाजे के साथ झांकियां निकाली गईं। झांकियों की रैली उकवा से रेंज ऑफिस की ओर निकली, बीच में मेथोडिस्ट चर्च के सामने सर्वधर्म सेवा समिति के अध्यक्ष जेम्स बारीक एवं उनकी टीम के द्वारा मसीह समाज के सौजन्य से महारैली में शामिल सभी श्रद्धालुओं को शरबत वितरित किया गया। इसी तरह रास्ते में अनेक जगह शीतल जल एवं शरबत पिलाया गया। रैली रेंज ऑफिस से होते हुए उकवा कैंप और वहां से बस्ती का भ्रमण करते हुए सूर्या मैदान पहुंची, जहां भारी आतिशबाजी के बाद श्री राम के द्वारा रावण दहन किया गया। उत्तर उकवा सामान्य परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम धानी टोला में किया गया विशालकाय सर्प अजगर का रेस्क्यू। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और नवरात्र के पावन पर्व में नवमी के दिन ग्राम धानी टोला उकवा में एक विशालकाय अजगर देखने की सूचना वन विभाग को मिली। सूचना पाकर वन विभाग का रेस्क्यू टीम मौके पर जा पहुंचा। मौके पर देखा गया कि श्री चौधरी जी के घर के पास में उनके खेत में एक विशालकाय सर्प बैठा हुआ है और आराम कर रहा है। जैसे ही वहां रेस्क्यू टीम पहुंची, सर्प ने उपस्थिति पाकर मौके से भागने की कोशिश की, जिसे रेस्क्यू टीम द्वारा सुरक्षित पकड़ा गया। सुरक्षित पकड़ने के बाद उसे घने जंगलों में छोड़ दिया गया है।